हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हमारे सीएसआईआर के सिलेबस में हैं, उन अमाइनो एसिड से एंड न्यूक्लिक एसिड से, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड इनमें से भी प्रोटीन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स की। अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं जो कि पॉलीमराइज होके प्रोटीन बनाते हैं। स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड्स का, उसमें हमारा एक कार्बन प्रेजेंट होता है, उस कार्बन से हमारा अमाइनो ग्रुप भी अटैच होता है, उस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एंड हाइड्रोजन अटैच होता है एंड एक साइड चेन अटैच होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं एंड इस अल्फा कार्बन से ही अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड साइड चेन अटैच होती है, इसलिए हम अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं। एंड ये जो सेंटर कार्बन होता है, ये काइरल कार्बन होता है, बिकॉज चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है इस काइरल कार्बन से। इफ जो साइड चेन है वो एच होगी, ये केस है हमारा कौन से अमाइनो एसिड का, ये केस है हमारा ग्लाइसिन का, तो हमारा ये काइरल कार्बन नहीं होगा। अदरवाइज इस और सारे केसेस में क्या होता है, ये काइरल कार्बन होता है। काइरल कार्बन क्या होते हैं, जिनमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उनको हम काइरल कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, दैट इज काइरल कार्बन। अब जो हमारा काइरल कार्बन होगा, उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमने न्यूक्लिक एसिड में भी पढ़ा है। न्यूक्लिक एसिड में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी कार्बन है उससे इफ चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, सेकेंड थिंग उसमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑप्टिकल एक्टिव मींस वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा रोटेट कर देता है। वो उसको रोटेट कर सकता है हमारा क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो हमारा ये क्या होता है, ये होता है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। इफ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको डेक्सट्रो रोटेटरी हुआ, पॉजिटिव साइन। इफ वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो लीवो रोटेटरी हुआ, नेगेटिव साइन। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे आते हैं ऐसी दो कॉन्फ़िगरेशन जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस हों एक दूसरे की। ये दो कॉन्फर्मेशंस हमारी होती हैं काइरल कार्बन से क्या ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन पे, उसकी कॉन्फर्मेशन पे कि वो राइट साइड अटैच है या वो लेफ्ट साइड अटैच है। तो हमारा अमाइनो ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो उसको डी अमाइनो एसिड बोलते हैं, डी एलानिन बोलते हैं। ये हमारा एलानिन है। हमने ग्लाइसिन का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया बिकॉज ग्लाइसिन काइरल कार्बन नहीं है, ग्लाइसिन में काइरल कार्बन नहीं होता है। तो इफ हमारा अमाइनो ग्रुप राइट साइड होगा तो वो हमारा होगा डी एलानिन, इफ हमारा अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड होगा तो वो होगा एल एलानिन। तो हमारा अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है ये। अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन को छोड़ के सब में काइरल कार्बन होता है एंड उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होती है एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। सब में हमारा अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन क्यों बोला उसको, बिकॉज इसी कार्बन सब कुछ अटैच है। अल्फा कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, इससे ही सारे के सारे कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोला। बस प्रोलीन अल्फा अमाइनो एसिड नहीं होते। प्रोलीन क्या नहीं होते, प्रोलीन अल्फा अमाइनो एसिड नहीं होते। अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोलीन का। प्रोलीन में हमारा अमाइनो ग्रुप जो है हमारा वो अल्फा कार्बन के साथ साथ एक और कार्बन से अटैच होता है, इसलिए प्रोलीन को हम अल्फा अमाइनो एसिड नहीं बोलते। अदरवाइज सारे अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लाइसिन काइरल नहीं होता, सारे काइरल होते हैं। प्रोलीन अल्फा अमाइनो एसिड नहीं होता, सारे अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे एसिड्स हैं या बेसिक्स हैं। सो अमाइनो एसिड के पास हमारा एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक ग्रुप है बिकॉज वो प्रोटॉन डोनर है, वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, अपना एच पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, इसलिए वो एसिडिक ग्रुप है। एंड अमाइनो ग्रुप हमारा क्या है, अमीन ग्रुप, NH2। अमीन ग्रुप क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और अमाइनो बना सकता है, इसलिए वो क्या है, बेसिक है। तो हमारे पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, इसलिए इस अमाइनो एसिड को हम हेम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं। हेम्फोटेरिक नेचर के वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। अब क्या होता है, इफ उनको लो पीएच पे रखा जाए,
इफ अमाइनो एसिड को लो पीएच पे रखा जाए तो वो हमारे प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज लो पीएच के एनवायरमेंट में क्या होंगे, बहुत सारे लो पीएच के एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रोटोन होंगे, तो वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। कौन? प्रोटोन एक्सेप्टर ग्रुप, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा बेसिक ग्रुप है, NH3, NH2 जो है अमीन ग्रुप, वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा तो लो पीएच पे हमारे क्या होगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बट जैसे ही हम थोड़े हाई पीएच पे जाएंगे तो हमारे इनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा, बिकॉज जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है अब वो भी हमारा, वो हमारा प्रोटोन को डोनेट कर देगा, वो हमारा प्रोटोन को डोनेट कर देगा, तो इनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं ड्यूटेरो आयन फॉर्म। ड्यूटेरो आयन फॉर्म इसलिए बिकॉज इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इस पोजीशन को बोलते हैं ड्यूटेरो आयनिक फॉर्म। फिर हम थोड़े और हाई पीएच पे चलेंगे तो हमारा जो क्योंकि प्रोटोन कम है अब उस हाई पीएच पे, तो जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटोन एक्सेप्ट किया था एमीन ग्रुप ने, वो भी उसको रिमूव कर देगा और अमाइनो ग्रुप जो है वो फिर से अमीन ग्रुप बन जाएगा, तो फिर हमारा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाई पीएच पे नेगेटिव चार्ज होता है, लो पीएच पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पीएच पे कोई चार्ज नहीं होता, जिस पीएच पे न्यूट्रल होता है हमारा अमाइनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, उस पोजिशन को बोलते हैं ड्यूटेरायनिक फॉर्म। और ये जो पीएच है वो हमारा अमाइनो एसिड्स के लिए पीआई होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो पीएच इनके लिए क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है। इफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगा पीएच, इफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच जो है वो हमारा कम होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो पॉजिटिव चार्ज होगा अमाइनो एसिड के ऊपर। इफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होगा पीएच, तो मीन्स प्रोटोन अब ज्यादा, प्रोटोन अब कम है, हमारा जो अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटोन को डोनेट कर देंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो राइबोसोम के थ्रू अटैच होते हैं एंड प्रोटीन बनाते हैं। क्या होता है, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो आरएनए के कोड को देख के राइबोसोम एंड टीआरएनए की हेल्प से अमाइनो एसिड अटैच होते रहते हैं प्रोटीन में, और अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बनाते हैं। सो जो अमाइनो एसिड राइबोसोम के थ्रू अटैच हो रहे हैं, जो अमाइनो एसिड नॉर्मल प्रेजेंट है राइबोसोम के थ्रू अटैच हो रहे हैं, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड्स हमारे राइबोसोम के थ्रू अटैच नहीं हो रहे, इवन कुछ और अमाइनो एसिड राइबोसोम के थ्रू अटैच हो रहे हैं और उनमें मॉडिफिकेशन होके वो अमाइनो एसिड बन रहे हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जस्ट लाइक कि हमारा कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो राइबोसोम के थ्रू कुछ प्रोटीन अटैच हो गई, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। बट इसमें कुछ चेंज आ गया, राइबोसोम के थ्रू अटैच होके हमारा एक न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये राइबोसोम के थ्रू अपने आप अटैच नहीं हुआ, ये राइबोसोम के थ्रू कोई और अटैच हुआ था, उसके अंदर फिर चेंजेस आए एंजाइम के थ्रू, कुछ चेंजेस आए पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में चेंजेस आए, जिसकी वजह से नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बन गया। वो अमाइनो एसिड नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता था, नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता था, राइबोसोम के थ्रू अटैच नहीं हुआ, वो मॉडिफाई होके अब वो अमाइनो एसिड बना है, तो वो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो हमारी बॉडी में 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर, ऐसे जिनमें पोलरिटी होगी ही नहीं, ऐसे जिनमें पोलरिटी होगी, पोलरिटी होगी तो अब पोलरिटी आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकती है, पॉजिटिव पोलरिटी नेगेटिव पोलरिटी, तो ऐसे जो अनचार्ज होंगे जिनमें पोलरिटी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी वो क्रॉस कर रही होगी, ऐसे जो चार्ज होंगे, चार्ज भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कुछ भी हो सकते हैं। तो जो हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनमें हमारा आता है ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, मिथियोनीन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। फिर आते हैं हमारे ऐसे अमाइनो एसिड जो पोलर हैं, पोलर में भी अनचार्ज अमाइनो एसिड जिसमें चार्ज नहीं है, सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्पारजीन, ग्लूटामीन, टायरोसीन। फिर हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स आते हैं जिसमें चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। फिर ऐसे अमाइनो एसिड्स आते हैं जिनमें हमारा नेगेटिव चार्ज है, दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। सो ये हमारे अमाइनो एसिड्स हुए 20 अमाइनो एसिड्स। इनके अलावा दो और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेलेनोसिस्टीन एंड पाइरोलाइसिन।
इन सब की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं हमारी, जस्ट लाइक आइसोल्यूसीन जो है वो मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन, इनमें एरोमेटिक ग्रुप होता है, प्रोलीन में इमिनो ग्रुप होता है, प्रोलीन हमारा जैसे बताया भी था पहले कि प्रोलीन हमारा रिजिड होता है एंड प्रोलीन हमारा अल्फा अमाइनो एसिड नहीं होता, ग्लाइसिन के पास काइरल कार्बन नहीं होता, फिनाइल एलानिन के पास फिनाइल रिंग होती है, ट्रिप्टोफैन के पास इंडोल रिंग होती है, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन के पास एमाइड ग्रुप होता है, सिस्टीन के पास सल्फर प्रेजेंट होता है, मिथियोनिन के पास बी सल्फर प्रेजेंट होता है। सो इनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हमारा स्पेशली हम पढ़ते हैं सेलिनोसिस्टीन एंड पाइरोलाइसिन के रिगार्डिंग। सेलिनोसिस्टीन हमारा 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है एंड सेलिनोसिस्टीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टीन से मिलता है। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन का स्ट्रक्चर सिस्टीन से बहुत ज्यादा मिलता है। क्या होता है सिस्टीन में, हमारा सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर होता है, बट सेलिनोसिस्टीन में हमारा सल्फर की जगह सेलिनियम ग्रुप होता है, सल्फर की जगह सेलिनियम ग्रुप होता है। इसमें हमारा क्या होता है, सेलिनियम ग्रुप होता है, सल्फर नहीं होता, सल्फर की जगह सेलिनियम ग्रुप होता है सेलिनोसिस्टीन में। एंड सेलिनोसिस्टीन हमारा जो एंटीकोडोन यूसीए है उसके थ्रू आता है। इफ एंटीकोडोन यूसीए आएगा तो उसके थ्रू आएगा। सेलिनोसिस्टीन हमारा सीरीन की फॉर्म में आता है एंड सीरीन पे मॉडिफिकेशन होता है, सीरीन पे हमारा मॉडिफिकेशन होता है और उस सीरीन से हमारा सेलिनोसिस्टीन बनता है। मॉडिफिकेशन दो एंजाइम्स का होता है, ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज का एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज का। सेकंड आता है हमारा पाइरोलाइसिन। पाइरोलाइसिन हमारा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जो कि हमारा यूएजी कोडोन से आता है। एंड अब हम आते हैं हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मैंने बताया जो राइबोसोम के थ्रू अटैच नहीं होते, जो हमारे मॉडिफाई होने के बाद फॉर्म होते हैं, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड फॉर्म हुए हैं उनमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के वक्त कुछ चेंजेस आते हैं और एक न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म होता है। सो ये अमाइनो एसिड नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करते, बट जब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की जो प्रोटीन्स होती है हमारी वो पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए जाती है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए जाती है, तो हमारे उनमें चेंजेस आते हैं। जस्ट लाइक हमारा लाइसिन से 5-हाइड्रोक्सी लाइसिन जाता है, लाइसिन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है, हमारा सीरीन से एन एसिटाइल सीरीन बन जाता है, मिथियोनिन से एन फॉर्माइल मिथियोनिन बन जाता है। तो ऐसे हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब हमारा क्या होता है, टाइट्रेशन होता है अमाइनो एसिड्स का। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज में टाइट्रेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें पीएच का इफेक्ट देख रहे हैं। हम टाइट्रेशन में पीएच को चेंज करते हैं, हमारे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते रहते हैं, NaOH हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते रहते हैं और फिर देखते हैं कि स्ट्रॉन्गली एसिड सॉल्यूशन में हमारा उसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या उसके ऊपर चार्ज था नहीं था, बट जैसे जैसे हम उसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। तो हम हमेशा जब पीएच का इफेक्ट देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उसको उसका टाइट्रेशन करते हैं। अब क्या है, हम यहाँ पे अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन करेंगे। तो जब हमने अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन किया तो हमने ये देखा कि लो पीएच पे हमारा, जब बिल्कुल लो पीएच था तो हमारा उस पर पॉजिटिव चार्ज था, बिकॉज लो पीएच पे प्रोटोन बहुत ज्यादा थे एंड प्रोटोन डोनर जो हमारा अमाइनो ग्रुप है, प्रोटोन डोनर, उसने हमारे सारे प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिए थे। तो हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज था, बट जैसे ही पीएच हमारा आगे बढ़ा, मतलब हमने बेस ऐड किया तो हमारा प्रोटोन कम हो गए, हमारे जब प्रोटोन कम हो गए तो हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप ने अपने प्रोटोन डोनेट करने स्टार्ट कर दिए सराउंडिंग में। देन हमारे प्रोटोन और कम हुए तो जो अमीन ग्रुप ने हमारा प्रोटोन लिया था, अमाइनो से अमाइनो बनाया था, तो अमाइनो ग्रुप ने भी अपना प्रोटोन डोनेट किया, फिर से अमीन बना लिया, तो हमारा एट लास्ट जाके नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक कंडीशन आई जहां पे हमारा न्यूट्रल चार्ज था, जहां पे हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों थे, इस कंडीशन को हमने बोला आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सबके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको सबके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद नहीं करने पड़ेंगे। आप नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं, कौन से नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड के याद करने की जरूरत ही नहीं है, 5 to 6 के अराउंड ही लाई करते हैं सबके। फिर आते हैं हमारे पोलर अमाइनो एसिड, पोलर में भी अनचार्ज, अनचार्ज के भी ऐसे सेम कंडीशन है, अनचार्ज के भी हमारे 5 और 6 के अराउंड लाई करते हैं। अब आता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
जो हमारे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, जस्ट लाइक हमारे पास थ्री पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, हिस्टिडीन, लाइसीन, आर्जिनिन, इन तीनों के हमारे जो आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो हाई होता है। वो हाई क्यों होता है उसका रीजन अभी हम देखेंगे। इन तीनों का आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो हमारा 8 to 9 लाई करता है, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनका ऑलवेज 2 to 3। सबसे लोवेस्ट हमारा नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स का ही होता है, सबसे लोवेस्ट होता है 2 to 3 वो होता है। एंड क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे लोवेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट किसका होता है। सबसे लोवेस्ट होता है एस्पार्टिक एसिड का, दैट इज 2.77। सबसे हाईएस्ट होता है आर्जिनिन का। ए से याद रखना आप कि सबसे हाईएस्ट किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, सबसे लो किसका होगा, नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड का होगा। तो दोनों में जो ए से स्टार्ट हो रहा है, एस्पार्टिक एसिड एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन का सबसे हाईएस्ट है एंड एस्पार्टिक एसिड का सबसे लोएस्ट है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। सो जो ये आपको फिगर दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड का एग्जाम्पल है। ग्लूटामिक एसिड में हमारा एसिड है, तो ऑब्वियसली इसका जो आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट है फर्स्ट तो वो लो है काफी। एंड एसिड है उसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। लो पीएच पे हमारा क्या है, सबसे जब लो पीएच है तो हमारे प्रोटोन बहुत ज्यादा है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया। प्रोटोन एक्सेप्ट कौन करता है, प्रोटोन एक्सेप्ट ऑलवेज अमीन करता है, वो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, बेसिक होता है। तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव 1 चार्ज है। जैसे ही हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन का ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट किया, तो एक कंडीशन आई जब हमारा प्रोटोन लूज कर दिया, क्योंकि सराउंडिंग में प्रोटोन कम हो रहे हैं, प्रोटोन लूज कर दिया कार्बोक्सिल ग्रुप में। अब आता है कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोन को लूज करेगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले कौन डोनेट करेगा प्रोटोन को, जो हमारा एसिड होगा, क्योंकि हमारे एसिड की क्वालिटी होती है कि वो प्रोटोन को डोनेट करते हैं। और हमारे पास एसिडिक दो ग्रुप है, एक तो हमारा जो अल्फा कार्बन से अटैच है, एक जो हमारा आर चेन में प्रेजेंट है। अब आप खुद बताइए मेन ग्रुप जो है हमारे लिए वो कौन सा है, मेन ग्रुप कौन सा है हमारे लिए। जो ऑब्वियसली जो अल्फा कार्बन से अटैच है वो मेन ग्रुप है, आर चेन तो चेंज होती रहती है। ओके, तो सबसे पहले कौन करेगा, सबसे पहले कोई मेन घर का मेंबर जो होता है वो सेक्रीफाइस करता है। ओके, देन फिर बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं। पहले जो मेन मेंबर होता है उसको ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे माइंड में याद रखना। तो जो मेन जो है वो हमारा लूज कर देगा, उसने लूज कर दिया तो आप 0 चार्ज हो गया, आप कोई चार्ज नहीं रहा, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया। देन हमारा पीएच और ज्यादा इंक्रीज हुआ, बेस और ज्यादा ऐड हुआ उसमें, तो अब क्या होगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब या तो हमारा अमाइनो ग्रुप के पास एक्स्ट्रा है, या हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन है जो कि एक प्रोटोन है जो कि वो डोनेट कर सकता है। अब अमाइनो ग्रुप तो हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप तो बेसिक है, बेसिक तो नहीं करते इतनी जल्दी प्रोटोन को डोनेट, तो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो आर चेन में है वो डोनेट कर देगा और हमारे पास -1 चार्ज आ जाएगा। देन पीएच और ज्यादा बढ़ा, पीएच और ज्यादा इंक्रीज हुआ, बेस को हमने और ज्यादा इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा, अब एक्सट्रीम कंडीशन आ चुकी है। अब जो अमाइनो ग्रुप ने लिया था अब उसको भी डोनेट करना पड़ेगा। अब उसने डोनेट कर दिया तो अब -2 चार्ज हो गया। ओके, अब जो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम फाइंड करते हैं वो उन दो पीएच के बिटवीन फाइंड करते हैं जहां पे हमारा +1 चार्ज होता है एंड -1 चार्ज होता है, बिकॉज इन दोनों के बिटवीन ही कहीं आके 0 चार्ज आया है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बना है। सो इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लो इसलिए होता है बिकॉज लो कंडीशन पे, आपने देखा लो कंडीशन पे ही इनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाता है, 0 चार्ज आ जाता है, इसलिए इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लो होता है। अब क्या आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं जो सीएसआईआर में आते हैं कि हमें 3 पीएच दिए होंगे, एक पीएच जिसपे पॉजिटिव वन चार्ज है, एक पीएच जिसपे -1 चार्ज है, एक पीएच जिसपे -2 चार्ज है। वो मेंशन नहीं करेंगे कि इस पीएच पे -1 चार्ज था, इस पे -2 था, इस पे -1 चार्ज था, या इस पे +1 चार्ज था। वो 3 पीएच देंगे आपको और कह देंगे कि फाइंड करो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इफ वो नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड का फाइंड करने को दे रहे हैं तो हमेशा लोवेस्ट 2 पीएच चूज करना एवरेज निकालने के लिए। नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड का लो होता है पीआई, तो हम लोवेस्ट 2 पीएच चूज करेंगे फाइंड करने के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उनका एवरेज फाइंड करने के लिए, उन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, हमारे पास पीआई आ जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स की। जो है हमारा यहाँ पे लिया है हमने हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में आप लोग देख सकते हैं इमिडाज़ोल रिंग है, इमिडाज़ोल रिंग है मतलब हमारा एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा है। जब हमारा ये अमीन ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है तो हमारे पास इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हो गए हमारे, और हमारे एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया।
ओके, तो इट मींस दो प्रोटॉन एक्सेप्ट होंगे लो पीएच पे, बिकॉज दोनों को ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, दोनों ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, प्लस टू चार्ज है। जैसे ही हमने बेस ऐड किया, पीएच को इंक्रीज किया, अब क्या होगा, जैसे ही पीएच इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली जो सबसे मेन है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक है, वो अपना प्रोटोन जो है वो लूज कर देगा। अब हमारे पास प्लस वन चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज +1 आ गया। अब और ज्यादा पीएच इंक्रीज हुआ, और ज्यादा पीएच इंक्रीज हुआ, अब कार्बोक्सिल ग्रुप तो बचा नहीं, अब दोनों अमीनो ग्रुप बचे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों के पास एक्स्ट्रा प्रोटोन है, इन दोनों में से किसी ना किसी को अपना प्रोटोन डोनेट करना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग के पास प्रोटोन नहीं है, प्रोटोन खत्म हो गए हैं। जब पीएच बढ़ता है, सराउंडिंग के पास प्रोटोन खत्म हो जाते हैं और प्रोटोन सराउंडिंग को देना पड़ता है। अब क्या हुआ, प्रोटोन सराउंडिंग को देना पड़ा। अब प्रोटोन सराउंडिंग को जब हमारा देना पड़ा, तो हमारा कौन सा अमाइनो ग्रुप प्रोटोन देगा सराउंडिंग को, जो मेन नहीं होगा। अब उसका रीजन बताती हूँ क्यों। क्या होता है, जो अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो मोस्ट बेसिक अमाइनो ग्रुप है। ये दोनों मेन है बिल्कुल, और सब जो होंगे कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप वो एसिडिक और बेसिक तो होंगे, बट वो मोस्ट एसिडिक और मोस्ट बेसिक नहीं होंगे। तो जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था ग्लूटामिक एसिड का, तो उसमें वो कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप मेन कार्बोक्सिल ग्रुप था, वो मोस्ट एसिडिक था, और मोस्ट एसिडिक ही पहले प्रोटोन को लूज करता है। यहां पे मोस्ट बेसिक है, अब मोस्ट बेसिक तो सबसे लेस प्रोटोन को लूज करेगा, सबसे पहले मोस्ट एसिडिक जो होगा वो प्रोटोन को लूज करेगा सबसे फास्ट, फिर उसके बाद जो एसिडिक होंगे वो प्रोटोन को लूज करेंगे, फिर जो बेसिक ग्रुप्स होंगे वो प्रोटोन को लूज करेंगे, जो मोस्ट बेसिक ग्रुप होगा वो बहुत रिजिड होगा अपने प्रोटोन को लेके, बिकॉज जो मोस्ट बेसिक होते हैं वो सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, लूज नहीं करते, तो वो लेस बहुत सबसे एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी जब लूज करेंगे। तो इस बार लूज कहां से हुआ, जो हमारा आर चेन का अमीनो ग्रुप था वहां से लूज हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट टाइम जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, तो जो मोस्ट बेसिक ग्रुप था उसको भी लूज करना पड़ा। तो यहाँ पे जो +1 और -1 चार्ज आया, वो हमारा आया हाई पीएच पे। इसी वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड पर क्या होता है, हाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। सो इफ हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमें 3 pH गिवन हो और वो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड हो, और हमें PI फाइंड करना हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करना हो, तो हमें हमेशा दो मैक्सिमम पीएच को पिक करना चाहिए और उनका एवरेज फाइंड करके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करना चाहिए। जो हमारे नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है उसमें हम मिनिमम पिक कर सकते हैं और एवरेज फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है उसमें हम दो मैक्सिमम पिक करके फाइंड कर सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ऐसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। सो ये हमारा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।